हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इट्स बीन सो लॉन्ग, मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई, आप लोगों से कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ है। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सभी की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही है, सब कुछ एकदम टाइमली चल रहा है, आपका रिविजन प्रॉपरली चल रहा है, राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से हो रही है, सारी चीज़ें ऑन टाइम है। अब आपके एग्जाम्स में हार्डली 15 डेज बाकी, आई गेस 15 भी नहीं बाकी है। तो जो भी टाइम है, आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, ये चीजें आपको नहीं करना है, किसी भी कीमत पर ये चीज नहीं करना है। अगर आप चाहते हो कि आपके पेपर्स अच्छे जाए, आपका रिजल्ट अच्छा है, तो ये 3 चीजों को आपको अवॉइड करना है। सबसे पहली चीज, आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका स्टडी मटेरियल कुछ भी नया नहीं उठाना है। आपके जो भी बुक से आप पढ़ रहे थे, आप उसी को पढ़ते चलो, जिससे आप पढ़ते आए हो उसी को रिवाइज करो। कुछ भी नया नहीं उठाना, कोई भी नया मटेरियल नहीं उठाना है। जस्ट बिकॉज आपका फ्रेंड कोई और बुक से पढ़ रहा है, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि आप भी उस बुक पे शिफ्ट हो जाओ। आप जिससे पढ़ते आए हो, आप उसी से पढ़ो, आप उसी से रिवाइज करो। दूसरी चीज जो आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, वो है आपको किसी से भी बात नहीं करना है। किसी से भी बात नहीं करना है मतलब आपके फैमिली मेंबर से नहीं, फैमिली मेंबर से आप कर सकते हो, क्योंकि अगर किसी से भी बात नहीं करोगे तो आप डिप्रेस हो जाओगे। आपको आपके जो फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स में भी जो क्लोज फ्रेंड्स है, जो आपके वेलविशर्स है, आप उनसे बिल्कुल बात करो। दिन में 5-10 मिनट आपको बात करनी भी चाहिए। पर जो ऐसे बंदे हैं जो कि आपके क्लासमेट्स थे, अभी क्या होगा ना, अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हर कोई ज्ञानी बनेगा। एंड ये चीज एक फैक्ट है कि एकदम लास्ट मोमेंट पे हर कोई ज्ञानी होता है, कि ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, ये तो आएगा ही आएगा, ये वाला टॉपिक आने वाला है, इसका तो क्वेश्चन आएगा ही, इसका तो 10 मार्क का बैठेगा ही। ऐसा बताने वाले आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। लाइक हमारे साथ भी ऐसा होता था। इससे क्या होता है ना, जैसे ही किसी ने आपको बोला कि ये टॉपिक तो आएगा ही आएगा, तो कहीं ना कहीं आपका ब्रेन क्या हो जाएगा, अब ये टॉपिक तो मुझे आता ही नहीं है, अब मैं क्या करूंगा। तो वो कहीं ना कहीं पैनिक मोड क्रिएट होगा कि अब तो एग्जाम्स में इतने से दिन बाकी है, मैं कैसे चीजों को कवर करूंगा। इसीलिए बेटर है जो आपने पढ़ा है वो सफिशियंट है, उसी को आप अच्छे से रिवाइज करो। किसी का भी एक्स्ट्रा ज्ञान आपको लेने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो सुनो ही मत, और अगर सुन भी लिया तो इधर से सुनो, इधर से निकालो। ये चीज को आपको ध्यान रखना है। थर्ड एंड लास्ट थिंग इज, आपको कोई भी नई मेथड को फॉलो नहीं करना है। जैसे अभी आप किसी और तरीके से पढ़ते आए हो, अब आप किसी और तरीके से पढ़ने जा रहे हो, तो ये चीज आपको नहीं करना है। आप जिस तरीके से, जिस रूटीन से आप पढ़ते आए हो, आप वैसे ही पढ़ते चलो। ठीक है, थोड़ा टाइम ज्यादा दे सकते हो क्योंकि अभी बहुत पीक टाइम है, पर बिल्कुल आप अगर चीजों को चेंज कर रहे हो, ऐसा था कि आप पहले लेट नाइट स्टडी करते हो, अब आप एकदम चेंज कर रहे हो कि नहीं, मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ूंगा, तो वो चीज आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगी। या कोई भी चेंज आपको आपके रूटीन में नहीं करना है जो कि आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। जैसा चलता आ रहा था, आप कोशिश करो कि आप उसी को और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाओ। ये 3 चीजों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। कोई और भी अगर ऐसी चीज है जिसपे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।